कहा जाता है कि लड़कियों के लिए घर से सुरक्षित जगह कोई नहीं होती है, पर जिसके सिर सुरक्षा की जिम्मेदारी हो और वही शैतान बनकर ऐसा काम कर बैठे जिसके कारण एक ऐसा पवित्र रिश्ता जिसकी पवित्रता की दुहाई जमाना दिया करता है, वही रिश्ता शर्मसार हो जाए। जी हाँ, होशंगाबाद में एक कलयुगी बाप ने ऐसा ही काम किया है, जिसने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। ये हम नहीं कह रहे बल्कि आरोपी पीड़िता ने ही अपने पिता पर लगाया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। प्रकाश में आया है, ग्राम बटकी की एक नाबालिग बालिका है, वो अपने पिता के साथ जो है मुरघाट जाने के लिए नंदरवाड़ा तक गई थी और नंदरवाड़ा से वापस जा रही थी, तो उसके पिता ने बस में नहीं बैठने दिया, बोले नहीं आज नहीं जाएंगे, और वापस जाके एक लानी के पास एक नाले में उसके साथ जो है, उसके पिता का नाम भैया लाल है, कल में आदिवासी समाज का है, तो उसने अपनी सगी बेटी के साथ जो कि नाबालिग है बलात्कार किया है, और बलात्कार करके वो भाग गया है। और फिर उस लड़की ने ग्राम की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बताया, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उसको आज लेके थाने उसकी बालिका की रिपोर्ट पे धारा 376 पासपोर्ट का मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया है, विवेचना भी जारी। आपके साथ पापा, हम मेहमान जा रहे थे। हाँ, फिर मेरी बुआ साथ है, तो हमने मेरी बुआ बस में बैठा दी, हम आ गए थे, नहीं रहा थे। फिर उसके बाद फिर हमें उनने इज्जत ले ली। तुमने फिर किसको बताया? फिर हमने घर में आके बताया थे। घर में किस किस को बताया था? मेरी बुआ है, मेरे भैया। अच्छा, उसके बाद थाने में मामला दर्ज कराया आपने? हाँ। शाम को मेरे चाची ने बताया। अभी एक नाबालिग बच्ची आई थी, जिसे थाने से उनको महिला आरक्षण परिमा के द्वारा लाया गया था, और उनके ये इसलिए लाया गया था कि उसके साथ में, उसके कहा जा रहा है कि उसके पिता ने उसके साथ में अभेद संबंध बनाया है, लेकिन अभी जांच के दौरान हमने उसकी स्लाइड और स्वैब तैयार कर ली है, उनको रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जाएगा, इसके बाद ही इस चीज़ की पुष्टि हो सकती है कि उसके साथ में ऐसा कुछ हुआ है या नहीं।